Hello everyone, myself Dr. Priyanka Gosai, and today I am going to have a brief discussion about this topic, which is Circle of Willis. It is basically a topic from neurology, you can say that neuroanatomy, but it has a very important role in our, you know, all over the study, whether it is the if you are studying BMRI, in BMRIT or BPT or OTT. क्योंकि आपको ब्लड सप्लाई ब्रेन का सब में पढ़ना होता है कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा कहाँ से रहा है. ठीक है, सो जो हमारे दो सिस्टम है, इसमें जो ब्लड सप्लाई है आपका ब्रेन का, इट इज बेसिकली सप्लाइड बाय टू सिस्टम, विच इज फर्स्ट इज दी वर्टिब्रो बैसिलर सिस्टम. अब नाम से ही हमारा इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको ये मिल जाता है कि वट एवर वी आर स्टडिंग, आपको सब नाम से अपने आप मिल जाएगा. लाइक वर्टिब्रो तो वर्टिब्रल, और बैसिलर तो हमारी बैसिलर आर्टरी. तो ये आपका वर्टिब्रो बैसिलर सिस्टम बना रहा है. कैरोटिड सिस्टम, एज एवरीवन नोस, इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट, तो कैरोटिड सिस्टम हो गया. नाउ हियर जो वर्टिब्रो बैसिलर सिस्टम है, हम अब वो अराइज कहाँ से हो रहा है, बन कहाँ से रहा है, अगर ये पता चल जाता है तो बहुत ईजी हो जाता है फिर समझना. सो हम पहले देखेंगे. देखो, ये जो हमारा हार्ट से आर्च ऑफ एओर्टा आ रहा है, दैट इज गिविंग अ ब्रांच, और वो ब्रांच आपकी कहां जा रही है, टू योर क्रेनियम, और वो हमारी क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी. ठीक है, सो हियर टू वर्टिब्रल आर्टरीज, जो आपकी दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज अराइज हो रही हैं, वो कहां से है, सबक्लेवियन आर्टरी से, दैट इज राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी आपकी वहां से अराइज होगी. देन जो आपकी जो ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, वो क्या करेंगी, दे आर गेटिंग यूनाइटेड, इकट्ठा हो जा रही हैं या मर्ज हो जा रही हैं. जैसे आपकी ये दो एक वर्टिब्रल आर्टरी राइट से आई, दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी लेफ्ट से आई, फिर ये कन्वर्ज हो जाएगी यहाँ पर, दिस द कन्वर्जिंग पॉइंट, दैट इज पॉन्टो मेजुलरी जंक्शन. ठीक है, पॉन्टो मेजुलरी जंक्शन पर ये कन्वर्ज हुई एंड इट गेव योर बैसिलर आर्टरी. ये हमारी क्या है, बैसिलर आर्टरी. देन दिस बैसिलर आर्टरी फर्दर गेटिंग टर्मिनेटेड, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जा रही है वहां पर. ठीक है, इसने ब्रांच दी आपकी, दिस इज योर राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी. तो इसने दो ब्रांचेस दे दी और यहीं पर खत्म हो गया. अब ये जो सिस्टम हमारा बन रहा है, इट इज गिविंग फर्दर मेनी ब्रांचेस. ठीक है, तो ये हमारा वर्टिब्रो बैसिलर सिस्टम इसमें बन रहा है. नेक्स्ट, जो अब ये वर्टिब्रल आर्टरी आपकी फर्दर ब्रांच दे रही है, जो ब्रांचेस हैं आपकी वर्टिब्रल आर्टरी की, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. ठीक है, अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, वी मस्ट हैव स्टडीड दिस इन स्पाइनल कॉर्ड. जो स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, वी हैव दिस काइंड ऑफ सेक्शन. ठीक है, इस तरीके से हमें सेक्शन रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स ऐसे देता है आपको दोनों साइड से. अब इसमें क्या है, नाम ही बता रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, वो आपके स्पाइन के एंटीरियर टू थर्ड पार्ट को सप्लाई करेगा, फाइन. और जो आपका पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, वो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका पोस्टीरियर वन थर्ड को सप्लाई करेगा. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. देन जो आपका वर्टिब्रल आर्टरी कन्वर्ज हो रही है, वो मेड्यूला पे जा रही है इस तरीके से, वो अब मेड्यूला को भी सप्लाई करेगा. सो वो ब्रांचेस देगा आपको मेड्यूलरी आर्टरी की ब्रांचेस. ठीक है, अब नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज योर पाइका, वी ऑल्सो कॉल इट एज पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर. अब ये सेरिब्रल नहीं है, सेरिबेलर आर्टरी है. जैसे कि आपका अगर ब्रेन स्टेम का हम देखेंगे, तो मेड्यूला है, दिस इज द मेड्यूला, उसके ऊपर पॉन्स है, एंड देन वी हैव मिड ब्रेन हियर. उसके साथ साथ आपका इस तरीके से यहां पर जो एम्बेडेड पोर्शन है, दैट इज योर सेरिबेलम. ठीक है, तो अब यहां पर जो वर्टिब्रल आर्टरी आपकी बैसिलर आर्टरी बना रही है, उसका जो इंफीरियर पार्ट है, अब सेरिबेलम के इस पार्ट को भी सप्लाई करना है, तो इसका जो इंफीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, वो आपके सेरिब्रलम के पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट को सप्लाई करेगी. एंड देन वी हैव मेनिंजियल ब्रांचेस. एज वी नो, देयर आर थ्री मेनिंजियल लेयर जो आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करके रखती है, एंड तो वहां आपको मेनिंजियल ब्रांचेस मिल रही है. देन नेक्स्ट वी हैव ब्रांचेस ऑफ बैसिलर आर्टरी. नाउ
वाई ब्रांचेस ऑफ बैसिलर आर्टरी, जैसे आपकी दो वर्टेब्रल आर्टरीज कंबाइन हुई, वर्टेब्रल आर्टरीज ने अपनी ब्रांचेस दी यहाँ पर, देन फर्दर दिस बैसिलर आर्टरी इट ऑल्सो गिव इट्स इट विल ऑल्सो गिव इट्स ब्रांचेस विच आर एज फॉलोज. जैसे पाइका था जो कि आपके पोस्टीरियर पार्ट के सेरेबेलम के इंफीरियर पार्ट के पोस्टीरियर सेगमेंट को सप्लाई कर रहा था, सिमिलरली वी हैव आइका दैट इज एंटीरियर जो आपका सेरिबेलम है उसके इंफीरियर पार्ट को ही सप्लाई करेगा, बट हाउ एंटीरियरली वो एंटीरियर ब्लड सप्लाई दे रहा है यहाँ पर इस तरीके से. देन वी हैव द लेब्रेंथाइन आर्टरी विच इज रिस्पॉन्सिबल विच अदर क्रेनियल नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस. देन पॉन्टाइन ब्रांचेस. नाउ योर दिस बैसिलर आर्टरी इज इन पॉन्स, हियर इज इन पॉन्स, तो पॉन्स को भी सप्लाई देगी थ्रू पॉन्टाइन ब्रांचेस. And then we have, here we were having the inferior cerebellar artery which was giving to anterior and posterior branches respectively. Here, now ab is segment ko aapke superior cerebral artery ko ye supply karega, which is your superior cerebellar artery. Next we have that jo aapka basilar artery hai, that gets terminated as posterior cerebral artery. नेक्स्ट ओवर है कैरोटिड सिस्टम. एज वी ऑलरेडी डिस्कस की जो हमारा ये सेगमेंट है दो से बन रहा है. फर्स्ट वॉज योर वर्टिब्रो बैसिलर सिस्टम एंड अनदर इज योर कैरोटिड सिस्टम. नाउ दिस कैरोटिड सिस्टम हैज इट्स आर्ट्री फ्रॉम वी हैव कैरोटिड आर्ट्री एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्ट्री. नाउ वॉट हैपन्स दिस कैरोटिड आर्ट्री बायफोकेट्स इंटू फर्स्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर्ट्रीज. देन ओवर हियर दिस कैरोटिड आर्ट्री like this is your cranium here, like this is your cranium. What's happening in the cranium, it is entering through carotid sinus. Now what happens, the carotid sinus is not open, ye khula nahi hota hai aage se, to ye enter to carotid sinus se kar legi, then kya karegi, it will take a turn aur cavernous sinus se aapke cranium ke andar enter kar legi, cranium vault ke andar enter kar legi. Now, cavernous sinus के बाद जब ये cavernous sinus से enter करेगी, it will start giving its branches, जो कि ophthalmic branches, काफी सारी branches होती हैं, जैसे कि ophthalmic branches जो आगे आपके eyeballs को supply करेगा. Then next we have over here also only moving little further, it give its branch as MCA, which is your middle cerebral artery. Then again it will further branch off and give posterior communicating artery, anterior communicating artery and anterior cerebral artery. Now coming to the point, the topic over here is circle of Willis. So these were the branches of your carotid system, ophthalmic artery, anterior choroidal artery, posterior communicating artery, middle cerebral artery, anterior cerebral artery and least the anterior communicating artery which is connecting these two anterior cerebral artery. Next, see, this is the circle of Willis. The topic that we were going to discuss is this circle of Willis. This circle of Willis, which we are going to discuss over here. So how it is getting formed? So yahan se aapke, again I'll repeat it again. Over from here, the vertebral artery is converging at your pontomedullary junction. This is from the medulla. This portion is medulla of your brainstem. Then you have pons here, and then further you have your midbrain. So this vertebral artery is converging at your this pontomedullary junction. वहाँ पर ये converge मतलब ये मिल गई. मिलकर इसने एक artery बनाई, जिसको कि हमने बोला क्या basilar artery. Basilar artery further आपकी divide हुई इस तरीके से, और उसने आपकी दो branches दी. राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी. ठीक है, फिर हमने जो ब्रांचेस इसकी पढ़ी थी वो इसी बीच में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी थी. नाउ व्हाट्स हैपनिंग फ्रॉम हियर, दिस योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स द सिस्टम एंड इट गिव्स फर्स्ट द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी एंड देन पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हियर एंड देन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हियर. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्कल ऑफ विलिस, what is it, it is also known as your circulus arteriosus, that is it is the circle of your arteries which is hexagonal in shape. Hexagonal matlab diamond shape mein ho gaya. Is tarike se aapko shape milegi, aisi shape milegi aapko circle of Willis ki.
ठीक है. नाउ इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन वेयर एट इंटर पेंडुलर फोसा. नेक्स्ट फॉर्मेशन हाउ अभी वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो बट अगेन आई हैव टू रिपीट इट. आई वुड लाइक टू रिपीट इट. नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर इंटीरियरली हाउ इट इज गेटिंग फॉर्म. अगर हम बात करें इंटीरियरली हमारे पास कम्युनिकेटिंग आर्टरी है जो कि दो आपकी एंटीरियरली ओवर हियर हियर एंटीरियरली वी हैव टू कम्युनिकेटिंग आर्टरीज. दिस इज फॉर्मिंग द एंटीरियर पार्ट और दीज टू एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आर दीज वी हैव एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड दीज टू एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आर बीइंग कनेक्टेड बाय योर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. नेक्स्ट ओवर हियर वी हैव एंटीरियो लेटरली. इसका मतलब है मतलब जो आपका सेगमेंट है इसमें एंटीरियर है बट इट इज ऑन द लेटरल साइड. फाइन. एंटीरियो लेटरली वी हैव योर दिस एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी. एंटीरियो लेटरली आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है अगेन और देन लेटरली वी हैव योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आकर आपके दो ब्रांचेस वहां पे देगी देन पोस्टीरियो लेटरली एंड देन पोस्टीरियरली. With the help of the diagram, how it is happening? See, this is the anterior part, fine, which is formed by anterior communicating artery, and this is the anterior lateral part. मतलब आगे की तरफ है, but laterally है, which is formed by your anterior cerebral artery. Next, this is your lateral part, which is formed by internal carotid artery. अब भले इस internal carotid artery ने आपके different branches दे दी. एक मिडल सेरेब्रल आर्टरी दे दी, एक आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दे दी और एक आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी दे दी. इट इज गेटिंग ब्रांच्ड ऑफ ओवर देयर. देन आपका अगर हम पोस्टीरियो लेटरली बात करें मतलब पीछे की तरफ है बट लेटरली है, तो यहां पर हमारे पास है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. नाउ व्हाट्स हैपनिंग, दिस पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो आपकी नाम ही बता रहा है कम्युनिकेटिंग पोस्टीरियरली है और कम्युनिकेट कर रही है मतलब दो डिफरेंट आर्टरीज को कम्युनिकेट करवा रही है. तो आपका ये जो आपकी यहाँ पर MCA है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी यहाँ पर आपके पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कम्युनिकेट कर रही है कनेक्ट कर रही है. ठीक है, तो ये आपका पोस्टीरियर लेटरली एंड देन पोस्टीरियरली जो कि आपका बैक साइड में है इट इज फॉर्म बाई योर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. Next, what we have over here is fine. जो अब आप circle of Willis भी हमारा बन गया. इसका function क्या है, अब circular function है इसका. इस तरीके से देखो क्या है इसका structure कैसा है. This is like this. ऐसे अगर हम बात करें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है. यहाँ पर आपकी डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं. इसका फंक्शन क्या है कि जो आपका ब्लड है इट रीचेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन. ठीक है, और एक ही इंपॉर्टेंट चीज कर रहा है यहाँ पर विच इज इट इज प्रोवाइडिंग कोलेटरल सर्कुलेशन. अब कोलेटरल सर्कुलेशन क्या है, व्हाट हैपेंस अगर ब्रेन है हमारा ऑक्लूजन वगैरह होता रहता है मतलब आपका जो ब्लड है कभी हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से अगर यहां पर अक्लूजन हो गया मतलब यहां से आपका ब्लड आगे नहीं जा सकता तो क्या होगा, ये पूरा यहां से अपना सर्कल कंप्लीट करके इट विल रीच टू दिस साइड. फाइन, तो आपका ये क्या कर रहा है, कोलेटरल सर्कुलेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है. नेक्स्ट वी हैव इट इज गिविंग डिफरेंट ब्रांचेस. अब ब्रांचेस क्यों देना जरूरी है आपके सर्कल ऑफ विलिस को, क्यों, क्योंकि सर्कल ऑफ विलिस आपका पोस्टीरियरली जा रहा है. वो आपके अब ब्रेन है, सपोज जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है ब्रेन के, सुपीरियर लेटरल सरफेस है ये, फिर आपका मीडियल सरफेस है, देन वी हैव इन्फीरियर सरफेस. उसमें क्या हो रहा है, अब डिफरेंट पूरा आपके डीप आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां तक आपके ब्लड सप्लाई पहुंचना चाहिए. तो फर्स्ट ये ब्रांच जो देता है दैट इज द कॉर्टिकल और एक्सटर्नल ब्रांच, मतलब जो आपके सारे जो सुपरफिशियल लेयर है वहां ये सप्लाई देगा. देन वी हैव सेंट्रल ब्रांच जो आपका मीडियल में जा रहा है. देन वी हैव दिस कोरोइडल ब्रांच. कोरोइडल ब्रांच क्या करेगा, और डीप जाएगा और आपके कोरोइडल प्लेक्सिस
जैसे टोरॉइडल प्लेक्सिस क्या हो गया, जो आपका वेंट्रिकल्स में होता है, सिचुएटेड होता है, एंड इट इज गिविंग यू सीएसएफ फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, वी दैट वील डिस्कस इन अदर क्लास ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव दिस कॉर्टिकल ब्रांच. अब जो ये कॉर्टिकल ब्रांच है, इट रन्स ऑन डिफरेंट सरफेस ऑफ योर सेरिबेलम, सेरिब्रम. सेरिब्रम के डिफरेंट सरफेस में जा रही है, जो आपकी एमसी है, एमसीए है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी. वैसे तो अगर हम बात करें एमसीए, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सर्कल ऑफ विलिस, क्योंकि ये सर्कल ऑफ विलिस से बाहर आ जाती है. ये अपनी ब्रांचेस दे रही है, जो कि ब्रांचेस ये हमको देती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रांच ऑफ हुई, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी दी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दी, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी दी. तो जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है वो बाहर आ जाती है, बट स्टिल इट इज गिविंग अ ग्रेट, इट इज सप्लाइंग टू अ ग्रेट एरिया दैट इज ऑर्बिटल, फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल. मतलब हमारे चारों जो हमारे सुपीरियर लेटरल सरफेस में एरियाज हैं, चारों कवर हो रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि आपके ऑर्बिटल, फ्रंटल और पैराइटल को देती है सप्लाई, ब्लड सप्लाई. ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपके देगी टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड पैराइटो ऑसिपिटल एरिया को. नेक्स्ट हमारी जो सेंट्रल ब्रांच है, सेंट्रल ब्रांच आपकी कैसे अराइज करती है, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में है. जो आपका एंटीरियो मीडियल ग्रुप है, नाम ही बता रहा है, मतलब एंटीरियरली है, आगे की तरफ है और बीच में है. ठीक है, तो जो ये ग्रुप, ये एंटीरियो मीडियल ग्रुप है, इट हैज वन ग्रुप विच अराइज फ्रॉम योर एंटीरियर सेरिब्रल एंड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. ये जो हमारा एंटीरियर सेगमेंट है सर्कल ऑफ विलिस का, उसको ये दोनों आर्टरीज ही सप्लाई करती हैं, वही आपका एंटीरियर पार्ट फॉर्म कर रही है. तो ग्रुप भी वही दे रही है, वहां से हमारा एक ग्रुप निकलेगा. देन वी हैव दिस एंटीरियो लेटरल ग्रुप, आगे की तरफ है बट लेटरल है अगेन, विच इज गिवन बाय योर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी. अगेन जो आपका पोस्टीरियो मीडियल है, मतलब पोस्टीरियर है बट स्टिल इट इज एट द सेंटर, विच इज गिवन बाय योर पोस्टीरियो कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी. नेक्स्ट जो आपका पोस्टीरियो लेटरल ग्रुप है, इट गिव्स टू ग्रुप्स, लाइक फ्रॉम द लेटरल पार्ट्स ऑफ योर सेरिब्रल आर्टरी. नेक्स्ट कोरॉइडल जो ब्रांच है आपकी, इट्स सप्लाई टू कोरॉइडल प्लेक्सेस, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ वेरी लिटिल, यू नो, वेरी लिटिल मैनर, जिसमें आपका कोरॉइडल प्लेक्सेस अब क्या है, दे आर द टफ्ट ऑफ योर कैपिलरीज. मतलब जो आपकी कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, वो एक गुच्छा जैसा बना देती हैं, उनको हम टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं, और वो है हमारा कोरॉइड प्लेक्सेस. फाइन, तो वो कोरॉइड प्लेक्सेस और वेंट्रिकल्स को सप्लाई दे रहा है. अब वेंट्रिकल क्या है, वैसे तो इस क्लास में नहीं है ये सब डिस्कशन, बट स्टिल ताकि कनेक्ट कर पाओ, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज वेंट्रिकल. वेंट्रिकल का मतलब होता है कैविटी, मतलब जो हमारे ब्रेन में कैविटीज रह जाती हैं, गड्ढे रह जाते हैं, वहां पर वेंट्रिकल बनता है. तो वहां आपकी दो आर्टरी सप्लाई कर रही है, एक हो गया आपका क्या, एंटीरियर कोरॉइड आर्टरी एंड पोस्टीरियर कोरॉइड आर्टरी. जो एंटीरियर कोरॉइड आर्टरी है वो कहाँ से है, ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. और जो आपके कोरॉइड प्लेक्सेस ऑफ, जो अब स्पेसिफिक अगर हम चले जाएं, तो लेटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर हॉर्न को ये सप्लाई कर रहा है. नेक्स्ट जो आपका पोस्टीरियर है, ये ब्रांच है आपका पीसीए, दैट इज योर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी. और ये आपका ब्लड सप्लाई, ये भी आपके कोरॉइड प्लेक्सेस को सप्लाई करेगा, बट ये कर रहा है लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल को, और ये कर रहा है आपके सिर्फ लेटरल वेंट्रिकल को. नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज हाउ योर दिस सर्कल ऑफ विलिस इज प्लेस्ड एट योर ब्रेन स्टेम और योर ब्रेन सरफेस. ये आपका यहां पर मेड्यूला हो गया, देन हेयर इट इज पॉन्ड्स. ठीक है, यहां आपका ये जो पोर्शन है, दिस इज योर मिड ब्रेन, और फिर यहां से ये ब्रांचेस फर्दर आगे की तरफ स्प्रेड कर रही हैं, एंड दे आर गिविंग डिफरेंट ब्रांचेस टू सप्लाई होल ऑफ योर सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड इट्स डीप स्ट्रक्चर. थैंक यू सो मच, होप वील डिस्कस फर्दर अबाउट दिस टॉपिक इन अनदर क्लास. थैंक यू सो मच.